ini. Pintu. प्रमिति के लिए करणत्व का साधक तमत्व व भाव नहीं रखता है, क्योंकि जो ग्रहित ग्राही होता है वह अप्रमाण तो नहीं होता, लेकिन विवक्षित प्रमाण के रूप में उसको अंगीकार नहीं किया जा सकता। इसके उपरांत पाठक या शंका का आगे ये कहने जा रहा है, ठीक है, जिस प्रकार धारावाहिक ज्ञान प्रमाण प्रमिति के लिए करणत्व का कार्य नहीं कर सकता, तो कोई के पदार्थ हमने जान लिया, जानने के उपरांत बीच में कुछ व्यवधान हो गया, मनोयोग या अपना उपयोग अन्यत्र चला गया, पुनः वह उसी द्रव्य को देख लेता है और जान लेता है, तो वह कहता है जिस प्रकार धारावाहिक ज्ञान प्रमाण की उत्पत्ति में करणत्व का हाथ नहीं रखता, उसी प्रकार यह जो बाद में हुआ उत्पन्न ज्ञान, यह ज्ञान भी प्रामाणिक नहीं होना चाहिए। यह इसका भाव है प्रसंग में। फिर इसके उपरांत दूसरा प्रसंग अलग आ जाता है, उसके लिए आचार्य बता देते हैं, ननु घटे दृष्टे सति पुनः अन्य व्यासंगे पश्चात घटे एव दृष्टे पश्चातमं ज्ञानम अप्रमाणत्वं प्राप्नोति धारावाहिकवत् इति। एक घड़े को किसी ने देख लिया, पुनः अन्य व्यासंगे सते उसका उपयोग, उसका योग मनोयोग अन्य पदार्थ की ओर व्यासंग व्यस्त हो गया। व्यासंग मतलब व्यस्त बोल सकते हैं, व्यासंग का मतलब व्यस्तता, कोई कार्य कर रहे थे वहीं के वहीं छोड़ करके अन्य कार्य में व्यस्त हो गए, पुनः आकर के आधा घंटा एक घंटा पांच मिनट जो कुछ भी है उस कार्य को प्रारंभ कर दिया। तो उसी प्रकार किसी पदार्थ को आपने देख लिया, बीच में उसको छोड़ दिया, अन्य किसी पदार्थ में लग गए, फिर इसके उपरांत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बाद में जो ज्ञान प्राप्त हो गया वह ज्ञान भी अप्रामाणिक होना चाहिए। शंकाकार का कहना यह है, क्योंकि धारावाहिक के समान, क्योंकि वह कहता धारावाहिक ज्ञान को जिस प्रकार आप प्रमाण के प्रति या प्रमिति के प्रति करणत्व का अभाव मानते हैं, उसी प्रकार व्यासंग होकर के पुनः उसमें लग जाता है तो वह द्वितीय प्रसंग में जो ज्ञान उत्पन्न हो गया वह अभी अप्रामाणिक होना चाहिए। वो उसकी शंका है, ज्ञानात्म प्रति अप्रमाणत्म प्राप्त, क्यों धारावाहिकवत इति चेत न, ऐसा नहीं कह सकते। धारावाहिक ज्ञान ही शब्द ही बता रहा है, धारा टूटी नहीं, और बीच में व्यासंग यह शब्द ही कह रहा है कि वह तत्संबंधी ज्ञान टूट गया है। लगातार कोई कह दे और बेतार कोई कह दे, अंतर तो है ना, तो लगातार जो है कंटिन्यूटी बनी है, तो इसीलिए इति चेत न, दृष्टश्चापि मध्ये समारोपे सति अदृष्टत्वा। देखो बात ऐसी है, किसी एक पदार्थ को हमने देख लिया था, किसी पदार्थ के बारे में हमें ज्ञान उत्पन्न हो गया, बाद में मध्य में समारोपे सति, समारोप बोलते हैं व्यवधान, समारोप बोलते हैं तत्संबंधी ज्ञान के लिए बाधा, वो बाधा कई प्रकार की हो सकती है। परीक्षा मुख इत्यादि ग्रंथों में वो बताया कि संशय विभ्रम अनद्यवसा आदि ये सब समारोप के अंतर्गत आ जाते हैं, विघ्न जिसको बोल सकते हैं, हाँ? जिस ज्ञान के बारे में, जिस पदार्थ के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो गया
और मध्य में यदि समारोप हो जाता है तो वह ज्ञान तो आपका टूट गया, आप अंतर प्ररूपना समझते होंगे। सर्वार सिद्धियां आगे आ रही है, स्पर्शन है, अंतर है आदि। अंतर का अर्थ विरह काल माना जाता है। किसी एक मार्गना को हम लेकर के चल रहे हैं या गुणस्थान को लेकर के हम चल रहे हैं, पंचम गुणस्थान है मान लो या चतुर्थ गुणस्थान है, तो चतुर्गुणस्थान के मार्गना को हम निरंतर कब तक घटित कर सकते हैं, वह निरंतर माना जाता है। और जो ही सम्यक दर्शन छूटा नहीं तो सम्यक दर्शन का अंतरकाल प्रारंभ हो गया। अब कब तक मिथ्यात्व में जाएगा, जब तक मिथ्यात्व में रहेगा, या मान लो तृतीय गुणस्थान में भी आ जाए मिथ्यात्व गुणस्थान से, तो भी वह सम्यक दर्शन का अंतरकाल चल रहा है, अंतर हो गया उसका। पुनः जब चतुर्थ काल को चतुर्गुणस्थान को प्राप्त होगा तो उसके बीच में जो कुछ भी काल आप पिछते ही अंतरकाल माना जाता है। तो अंतर जब पड़ गया तो उसको आप सम्यक दर्शन कहेंगे क्या मिथ्या दर्शन कहेंगे, सम्यक दर्शन का अभाव कहेंगे। उसी प्रकार जिस पदार्थ संबंधी ज्ञान आपको था, अब व्यासंग आपका अन्यत्र हो गया तो वह ज्ञान तो रहा नहीं आपको, पुनः एक घंटे के उपरांत उस काम में आप व्यस्त हो जाते हैं, तो उसको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह ज्ञान मिथ्यात्व तो नहीं, वह ज्ञान मिथ्या इसलिए नहीं कि पहला का ज्ञान तो था ही नहीं, अभी प्रारंभ हो गया, पहले बीच का काल जो छूट गया वह तो समय ज्ञान था कहां। इसलिए एक ज्ञान छूटने के उपरांत दूसरा ज्ञान जब प्राप्त होता है वह दूसरा ज्ञान मिथ्या नहीं माना जाता, सम्यक ज्ञान है। लेकिन आपका जो धारावाहिक ज्ञान है, हम मिथ्या तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण की उत्पत्ति में करणत्व का वहां वहन का कर रहा है, इसलिए वह ठीक नहीं। सम्यक दर्शन जब तक है तब तक करण कहां है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए करण होते हैं, चाहे कोई क्षय सम्य दर्शन हो या क्षय सम्य दर्शन हो चाहे अपजमय सम्य दर्शन हो, तो सम्यक दर्शन रूप के कार्य के लिए उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार दो या तीन कारण अपेक्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब नया ज्ञान पैदा कर दे उस समय करण की आवश्यकता पड़ती है। और धारावाहिक ज्ञान में ज्ञान को उत्पन्न करने की करण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए हम धारावाहिक को जिस प्रकार ज्ञान के ज्ञान को प्रमाण के प्रति करणत्व का अभाव बता रहे हैं, उस प्रकार एक पदार्थ का ज्ञान हो गया, बीच में व्यवधान हो गया, व्यासंग हो गया, व्यस्तता आ गई, तो मनोयोग छूट गया, पुनः उस द्रव्य को आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज्ञान जो हुआ वह अप्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि वह नया ज्ञान है, पुराना नहीं। धारावाहिक अर्थात लिंक नहीं टूटना, और व्यासंग का अर्थ लिंक का टूट जाना। लिंक टूटने के उपरांत पुनः ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, उसके लिए प्रमाण या करणत्व की बात आ जाती है, लेकिन इसके साथ नहीं आते। कहा भी है यदुक्तम तदुक्तम दृष्टोपि समारोपा तादृक, देखा हुआ पदार्थ बीच में यदि समारोप व्यवधान आ जाएगा तो जैसे पहले नहीं देखा था उसी के अनुरूप उसको समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, पुनः बीच में व्यवधान मिथ्यात्व आ गया तो वह मिथ्यात्व पहले गुणस्थानी माना जाएगा। नहीं नहीं, हम तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था इसलिए जो है मिथ्यात्व गुणस्थान में कुछ छटनी करी आप, तो हम गुणस्थान में तो छटनी नहीं करेंगे, काल की विवक्षा परिणाम की अपेक्षा से हम कह देंगे, तो संभव है आपका यह मिथ्यात्व का काल ज्यादा ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है, फिर बाद में नहीं रहेगा। लेकिन यह मिथ्यात्व नहीं है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि व्यवधान आ गया तो देख करके पुनः यदि व्यवधान आ जाता है तो पहले के समान ही वह अज्ञान या जो कुछ भी है वही माना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रमाणता नहीं आती। धारणा की प्राप्ति हुई है, धारा ज्ञान की प्राप्ति,
धारावी ज्ञान के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति भी देव से कहते हैं, तो ये धारणा की प्राप्ति हुई तो किसके द्वारा हुई? किसके द्वारा हुई? धारणा और अवाय ये भिन्न भिन्न दो ज्ञान हैं, किंतु धारावाहिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया मान लो और 66 सागर वर्ष तक रहा तो उसमें कोई अंतर आया सम्यक दर्शन में? क्यों नहीं आया? तो वो बता रहा हूं ना, ये क्या है, ये शोभ सम्यक दर्शन जो है 66 सागर तक रहा, ये क्या है? वैसे विसरा उसका काल है। उसी प्रकार अवाय निर्णय कहता है और अवाय जो है धारणा के लिए कारण है, लेकिन धारणा वह है कालांतरे अपि अविस्मरण कारणम इति धारणा। कालांतर में भी विस्मरण का कारण नहीं, वह अविस्मरण का कारण है, इसका नाम धारणा है। और स्मृति का अर्थ धारणा नहीं, धारणा धारणा तो प्रत्यक्ष में है, धारणा अनुभव जो हुआ अभी हमने धारण कर लिया इसको, ये अनुभव, अब इसकी अभिव्यक्ति स्मृति के माध्यम से होती है, लेकिन स्मृति का कारण धारणा है। बिना धारणा किए आप स्मृति किसके याद आ गई? किसकी याद आ गई? जो आपने धारण किया था। अरे उस कोठी में रखा है, धरती थी धारणा धृतावा, जिसको धारण कर लिया अब वो याद आ गई। याद आने से ऐसा लगता है यही धारणा हमारी, ये धारणा नहीं। धारणा का यह कारण ये उत्पत्ति के लिए है, उसको बताने के लिए, उसकी क्षमता बताने के लिए कारण है, लेकिन इसका कारण धारणा है। स्मृति का कारण धारणा ज्ञान है, कालांतर में स्मृति होती है, तो किसकी होती स्मृति? जिसको हमने रखा था, धारण किया था, तो धारणा स्मृति का कारण हो गया। और धारणा का कारण क्या है? किसको धारण किया आपने? जो निर्णय किया था, अवाय। अवाय धारणा के लिए कारण हो गया। अवाय कैसे प्राप्त हो गया था आपको? शंका समाधान वगैरह की होगी, जिज्ञासा की होगी, ईहा इत्यादि की होगी, तो ईहा जो है अवाय के लिए कारण। ईहा कब उत्पन्न हो गई? सामान्य रूप से एक वस्तु का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, अवग्रह से प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार अवग्रह ईहा का कारण, ईहा अवाय का कारण, अवाय धारणा का कारण, धारणा स्मृति का कारण, स्मृति प्रत्यविज्ञान का कारण, प्रत्यविज्ञान और स्मृति से युक्त यह तर्क के लिए कारण है। और तर्क के द्वारा हम अनुमान कर लेते हैं, क्योंकि तर्क जो है कि अविनाभाव बताता हेतु का, साध्य के साथ अविनाभाव रूप जो संबंध है व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञानम तो तर्क है उसको बोलते हैं, तो वह तर्क के माध्यम से साध्य के साथ अविनाभाव व्याप्ति को रखने वाला साधन होता है। ऐसी तर्कना के द्वारा हम उस साध्यभूत जो अनुमान है उसको अव्यावाद रख देते हैं, बाधा से रहित रखते हैं। इस प्रकार ये चेन है एक दूसरे के, लगता ऐसे है कि हमारे धारणा अब हो गई स्मृति के माध्यम से, स्मृति के माध्यम से नहीं, स्मृति का कारण धारणा है। इसलिए धारावाहिक ज्ञान और धारणा ज्ञान बहुत अंतर है। धारावाहिक ज्ञान में कोई अंतर नहीं आ रहा, वही धारणा चल रही है, जैसे कल कहा था वही वही ज्ञान चल रहा, वही वही ज्ञान चल रहा, उसमें करणत्व तो नहीं, नयापन नहीं आया, तो नयापन नहीं आया या करणत्व का कारण नहीं बना, इसलिए उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते। प्रामाणिक तो वह है जिस समय करणत्व प्रमिति के प्रति करणत्व का वह वहन करता है। तो सम्यक दर्शन के लिए कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन जिस समय उत्पन्न हुआ और वह सम्यक दर्शन पैदा हो रहा है क्या? सम्यक दर्शन तो पैदा नहीं हो रहा, पैदा है वो सुरक्षित है, तब तक रहेगा जब तक कर्म का उदय नहीं आएगा। क्या कारण क्या बना? कारण तो तीन लब्धि तीन करण बने, अंतर आ गया। आप इसको संसार कह, आप इसको संस्कार कह रहे हैं। संस्कार जो है
करण का करण बन जाए परंपरा से। यहाँ पर करण की बात कही जा रही है, साधक तम की बात कही जा रही है। साधक तम होता है वह करण होता है, और जो सहकारी कारण संस्कार, तो संसार में अनंत संस्कार बड़े बड़े हुए। जिस समय कर्म का उदय आएगा वही उसके लिए कारण बन जाएगा, उसका यदि क्षोभ हो जाएगा तो वही उसका लब्धियां जितने भी है, या करण अधिकरण पूर्वकरण नित्य करण है, वे साक्षात करण माने गए हैं। लब्धियों को कभी भी करण नहीं कहा इन्होंने, लब्धियां करण के लिए कारण है। अर्थात करण वह है कि जिसके द्वारा प्रवृत्ति क्रियाम प्रति यत साधक तमत्वेन वर्तते तत् करणत्वम। तो साधक तम करण, करण जो होता है वो साधक तम होता है। साधक अत्सैवत एक आतकल विशेष अत्सैवत, तो विशेष वह है कारण जो कि अत्सै वाला होता है। अत्सै वाले का अर्थ क्या, साधक तमम, जिसके द्वारा नियम रुस्वीकार की सिद्धि, साध की सिद्धि होती है, उसको साधक तम कहते हैं। तो आपके संस्कार है, मान लो संस्कार है तो प्रकरण की क्या आवश्यकता है, अपने आप ही हो जाए। तो कहते नहीं, संस्कार के कारण वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल के बाहर तो नहीं जा सकेंगे, ये निश्चित बात है, लेकिन अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर ही पैदा कर ले। तो कहते हैं उसके पास साधक तमत्व नहीं है, इसलिए धारावाहिक ज्ञान किसी ज्ञान विशेष को पैदा नहीं कर रहा है, किंतु समारोप होने के उपरांत पुनः नया ज्ञान जो प्राप्त हुआ वह धारावाहिक ज्ञान के समान अप्रामाणिक नहीं हो सकता। धारावाहिक भी नहीं है क्योंकि टूट गई धारा, लेकिन नहीं होते हुए भी वह अप्रामाणिक इसलिए नहीं कि उसके लिए करणत्व हमारे पास सिद्ध है। अब तदुक्तम दृष्टोपि समारोपा तादृक, दृष्ट भी जो देखा गया है पदार्थ वह भी समारोप मैंने संशय परे अनद्यवसा आदि दोषों के कारण तादृक मैंने नहीं देखने के समान, अर्थात क्या नहीं देखे कि समान, अर्थात व्यासंग में आया हुआ ज्ञान भी नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए। हाँ सुन लो सुन लो, अभी तो ये कह रहे हैं कि तादृक का अर्थ जो है अज्ञान के समान, उसको ग्रहित ग्राही नहीं है वो, क्यों कहे तादृक अर्थात ग्रहित ग्राही नहीं है, धारावाहिक नहीं है, सीधी सीधी बात है। तद्वत का अर्थ क्या है, तद्वत तथा धारावाहिक ज्ञान के समान नहीं है वो, धारावाहिक ज्ञान में वही वही पदार्थ ग्रहित है, और इस समारोप के उपरांत पहला जो ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान के द्वारा जो ग्रहित ग्राही पना नहीं है। नहीं अभी तो सुनो सुनो, ये तो उद्धरण के लिए दिया गया, सुनो सुनो सुनो, हम ये करें, ये तो उद्धरण के लिए दिया गया है। प्रसंग में क्या क्या है रे, धारावाहिक वत् कह रहे हैं, तो धारावाहिक के समान नहीं है, समारोप हो गया इसलिए धारावाहिक के समान नहीं है, अधारावाहिक अर्थात समीचीन है। धारावाहिक के समान नहीं है, धारावाहिक के समान किस लिए नहीं है, धारावाहिक में ज्ञान टूटा नहीं, टूटा नहीं, इसलिए धारावाहिक के समान ये नहीं है। तो कह रहे धारावाहिक को प्रमाण हम नहीं मान रहे हैं, वो मानता होगा, और प्रमाण उसको बोलते हैं जो कर्णत्व का वहन करता है, इसमें कर्णत्व का वहन है इसलिए वह मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता, ये भी धारावाहिक के ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान होना चाहिए था। तो आचार्य कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान नहीं, मिथ्या ज्ञान नहीं, तो मिथ्या ज्ञान नहीं तो व्यासंग तो आ गया, व्यासंग आना धारावाहिक के समान नहीं अप्रमाण होता, व्यासंग आने का अर्थ यह है ज्ञान ही टूट गया उसका, ज्ञान टूटने के उपरांत जो ज्ञान होता है वह अग्रहित को ग्रहण कर लेता है, ग्रहित को ग्रहण नहीं कर रहा, यदि ग्रहित को ग्रहण कर लेता है तो धारावाहिक सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए ये कि समारोप होने के उपरांत जो नहीं देखा हुआ जैसा था, ज्ञान जैसा पदार्थ का नहीं था, उसी के अनुसार ये हो गया, इसलिए यह नया ज्ञान को प्राप्त कर लिया इसने, इसलिए इसको हम अज्ञान नहीं कह सकते हैं, और अज्ञान नहीं कह सकते हैं, जैसे धारावाहिक के समान भी नहीं कह सकते हैं,
धारावाहिक ज्ञान जो हुआ वह प्रमाण के लिए कारणत्व को वहन नहीं करता, इसलिए वह अप्रामाणिक तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं कह सकेंगे क्योंकि इसको ज्ञान हुआ है, क्योंकि समारोप होने के कारण। हाँ तो थोड़ा इसको स्पष्ट कर ले। दृष्टश्यापि, अब देखो कहते हैं दृष्ट का, दृष्टश्यापि मध्य समारोपी सती अदृष्टत्वात्, नहीं समझे, जो देखा हुआ पदार्थ था, देखा है, ये तो धारावाहिक हो गया, और बीच में एक मिनट के लिए भूल गए, फिर इसके उपरांत देखा तो पहले जैसा नहीं है, ये अदृष्ट हो गया, तो अदृष्ट हो गया तो नया प्रारंभ हो गया तो उसके लिए आचार्य कहते हैं नया प्रारंभ जो होता है वह अप्रामाणिक नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक कर्णत्व है, लेकिन धारावाहिक के साथ कर्णत्व नहीं, क्योंकि वही हो रहा, ज्ञान तो उत्पन्न हो नहीं रहा, उत्पन्न ही ज्ञान है, पदार्थ तो ग्रहित नहीं हो रहा, ग्रहित पदार्थ ही देखा गया, घटोयम कहता जा रहा, इसलिए अंतराल पड़ गया। हाँ क्या दोनों समयदर्शन एक नहीं है, भिन्न है, माना तो माना, भेद क्यों माना फिर? अब सुनो, अवग्रह या अवाय और धारणा मति ज्ञानी माना है, लेकिन फिर भी इसमें विशेष है, विषय की अपेक्षा से एक है, लेकिन विशेषता की अपेक्षा, संज्ञा की अपेक्षा से नहीं, विशेषता की अपेक्षा से, पदार्थ की अपेक्षा से तो एक है, मति ज्ञान का पदार्थ तो वही रहेगा, लेकिन मति ज्ञान के द्वारा जो देखा हुआ पदार्थ है उसमें विशेष ज्ञान होता जा रहा, लेकिन धारावाहिक ज्ञान में कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, सूक्ष्म समय दर्शन क्षय समय दर्शन एक ही है, ऐसा नहीं, गुणस्थान के पीछे से एक है, लेकिन कर्म प्रकृतियों के सत्व के और हृदय के पीछे से एक कहां है, कारण भिन्न है, और पुनः करण कर लिए इसने, और असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा बढ़ गई, असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा बढ़ गई, निश्चित रूप से उसमें कारण भिन्नता आ गई। क्षय समय दर्शन प्राप्त होने के उपरांत उसमें कोई अंतर नहीं आया, जितना है उसके बारे में मान लो, तीतिस सागर तक रहा उसमें कोई अंतर नहीं रहा, वो इच्छा समय दर्शन के विवक्षा मानेंगे हम, जैसे 66 सागर तक था उस प्रकार वह 33 सागर तक रह गया, कुछ ऐसे रह गया उसमें क्या, तो ये वो इच्छा समय दर्शन नहीं मानेंगे, वो अलग और अलग भेद करेंगे, इच्छा समय दर्शन 33 सागर में कुछ भी नहीं हुआ अंतर, परमावर कहेंगे तो बारह गुण स्थान में पहुंचा देंगे हम, तेरह गुण स्थान में पहुंचा देंगे हम, अवगार जो होता है वो बारह गुण स्थान में होता, परमावर जो होता है वो तेरह गुण स्थान में होता, उसके अविभागी प्रतिच्छेद भिन्न हो गए, इसलिए अंतर पड़ेगा, तैतीस सागर तक जो रहा वह जो का त्यों रहा धारावाहिक है, वो अंतर आना चाहिए तो धारावाहिक टूट जाएगी, अंतर में नहीं विरह का, विरह काल के उपरांत जो कुछ भी उत्पन्न होगा वह निश्चित रूप से नया होगा, इसलिए वह प्रामाणिक होगा। सुनो, हाँ उस जन क्या, हम ये कह रहे हैं विशेषताओं को लेकर के यहाँ पर कथन नहीं चल रहा है, यदि बीच में समारोप हो जाता है तो वह यदि समारोप हो जाता है तो वह पुराना ज्ञान नहीं नया ज्ञान है, पर नया ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसके लिए तो कर्णत्व तो अपने पास है और होना चाहिए,
और जो वैसा वैसा रह गया तो उसके लिए करणत्व की कोई आवश्यकता नहीं। विकास होना अलग वस्तु है। धारावाहिक ज्ञान में विषय वही वही रहता है। सुन लो, यूं कह दो मिथ्या तो नहीं आता, यूं कह दो वही वही रहता का मतलब क्या, मिथ्या तो नहीं आता उसके बीच में, संशय नहीं होते, अनद्वेषा नहीं होते, विपरीतता नहीं आती। देखो संशय नहीं आता, विधि मुख से हम नहीं कहेंगे, पहले निषेध मुख से समझने का प्रयास करो, संशय नहीं आता उसमें, अनद्वेषा नहीं आता उसमें, विपरीतता विपर्य ज्ञान नहीं आता उसमें, इस रूप में वह रह जाता है। तो संशय आना सम्यक ज्ञान मिट जाना, विपर्य होना सम्यक ज्ञान मिट जाना, और अनद्वेषाय होना वह सम्यक ज्ञान मिट जाना, बस यह नहीं होता उसमें रहता। उसको हमने मिथ्या ज्ञान तो कहा नहीं, बस इतना ही है सवाल। उसको जब हमने मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, मिथ्या ज्ञान नहीं कहा, तो उसको धारावाहिक को वह बार बार प्रामाणिक प्रमाण उत्पन्न हो रहा ऐसा मान रहा है। वो जो बार बार प्रमाण उत्पन्न नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन में दृढ़ता आ रही है, लेकिन मिथ्या दर्शन नहीं आ रहा। यूं कह दो, क्या मिथ्या दर्शन मानते हो कि दृढ़ता आ रही है इसलिए कुछ अंश में मिथ्या दर्शन जा रहा है आ रहा है, ऐसा मानते हो क्या? ऐसा नहीं, हम तो ये भी तो पूछना चाहने वाला पूछेगा कि सम्यक दर्शन हो गया या मान लो ज्ञान हो गया, अब ज्ञान होने के उपरांत वह मिट नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या? नहीं, हम उसको सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान ही मानते हैं। समझ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप समझ में आ रहा, उनको उनका ये कहना है विशेष ज्ञान हो रहा है क्या? नहीं, हम विशेष ज्ञान से कोई मतलब नहीं, मिथ्या दर्शन आया था क्या उसके बीच में? हाँ, विशेष ज्ञान नहीं होगा, उसी उसी पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। बिल्कुल, वह प्रत्येक बार घटोयम घटोयम जीवोयम जीवोयम जो कह रहा है, एक बार जो जीवोयम कहा इसके उपरांत द्वितीय बार जो कहा उस समय विशेष ज्ञान हो गया मुझे, तृतीय बार कह देता जीवोयम विशेष ज्ञान हो गया मुझे, तो कहता है कि विशेष ज्ञान नहीं हुआ ये। विशेष ज्ञान नहीं हुआ ना, तो यही हमारा कहना है कि ज्ञान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, और फिर भी जो है विशेष ज्ञान हो रहा, वो सुरक्षा की बात अलग है, सुरक्षा की बात अलग है। बनेगी नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो कहा मति ज्ञान सामान्य अलग वस्तु है। मति ज्ञान के पीछे कुछ नहीं, इसलिए मति ज्ञान का अलग ज्ञान है, और अवग्रह का और अवाय का ये अलग है। ये आगे जाकर ही कहेगा, इसको भी धारावाहिक कह दो, इसको हम धारावाहिक इसलिए नहीं कह सकते हैं, अवग्रह के उपरांत विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ है, विशेष द्रव्य संबंधी भले हो लेकिन विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ अवाय के द्वारा यह के बाद, और यह के उपरांत धारणा में विशिष्ट और हुआ है। इस प्रकार विशेषता आती चली गई, लेकिन धारावाहिक ज्ञान में विशेषता नहीं रहती, वही द्रव्य और वही विषय। जैसे मान लो अ लिखा था, कल बताया था हमने, बच्चे का ज्ञान यह निर्णय ले लेता है कि देखो हम तो अ बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हुआ। जब कभी भी अ लिखा, एक लकीर में ही लिखा है तुमने, ये बात अलग है, लकीर के ऊपर लकीर लिखना नहीं आता, इसलिए वह अ बड़ा हो गया लगता है, लेकिन वह अ एक ही है। अ का ज्ञान वह हजार बार भी रिपीटेशन करो, पुनरावृत्ति करो, तो भी वह अ का ही ज्ञान माना जा रहा है, इसलिए कोई अंतर नहीं। अ से हटकर क्या है क्या? नहीं। अब ये बात अलग है, अ मिट गया, व्यासंग हो गया, तो दोबारा जो बाबा
अर्थ यह है कि विशेषता नहीं आई थी, इस अपेक्षा से हमने उसको प्रमाण नहीं माना था। अंतराल तो पड़ गया, मिटाना पड़ा, वह है ही नहीं, पहले का है ही नहीं, अपने धारा प्रारंभ हो गई, धारा प्रवाह तो नहीं, अब से प्रारंभ हो जाएगी। अब बलिन जो है कितने दिन तक रहने दीजिए। तो कहने का मतलब एक दिन में प्रवेश पाता है एक कक्षा में, तीसरी कक्षा से आए, पांचवी कक्षा से, छठी कक्षा से, दूसरे दिन भी कक्षा में प्रवेश होता है क्या? कहते तुम्हें मैं कमिन सर, मैं आए कौन सर नहीं समझे मैं कक्षा में आ सकता हूँ, मैं कक्षा के बाहर जा सकता हूँ, तो वह समझता है कि लघु शंका के लिए जा रहे हो, जा सकते हो, और लेट से आए हो आ सकते हो, दंड है इतना ही, लेकिन इसी कक्षा में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं कि तीसरी कक्षा में चले जाओ। तो इसी प्रकार धारावाहिक ज्ञान का अर्थ है कि 365 दिन तक वो कक्षा तो वही रहती है। वह कहता है कि सुबह अलग कक्षा है, शाम को अलग कक्षा है, ऐसा नहीं है उसी कक्षा में जा रहे हो। हाँ, परिवर्तन हुआ है, वो ठीक है, कक्षा का परिवर्तन नहीं माना जाता वो। सिद्धांत मत रखो यहाँ पर, इतना ही रखो। तदोक्तं दृष्टोपि समारोपा तादृक, देखने के उपरांत भी समारोप यदि हो जाता है तो वह अदृष्ट के समान ही हो जाता था, अदृष्ट ही है। इति एतेन निर्विकल्प, अब देखो इस एक प्रसंग के द्वारा बौद्ध के लिए भी कुछ कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा रोचक है। एतेन निर्विकल्प के सत्तावलोचन रूपे दर्शने अपि अतिव्याप्ति परिहृता, इसी प्रसंग में जो यह हमने दोष दिए उसी प्रकार निर्विकल्प जो ज्ञान है या निर्विकल्प जो दर्शन है, जो सत्ता महासत्ता का अवलोकन रूप है, उस प्रकार के दर्शन में अतिव्याप्ति आ जाती है, अर्थात उसके द्वारा आप अतिव्याप्ति इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो बता रहे हैं कि निर्विकल्प जो दर्शन है, जो कि चेतन रूप है, धारावाहिक नहीं है, और सत्तावलोकन रूप है, जो कि अवांतर सत्ता रूप जो ज्ञान होने वाला है बुद्ध के यहां, वह उस ज्ञान के लिए करणत्व का कार्य करता है, इसलिए वहां पर तो आपको प्रामाणिकता आना चाहिए। आपका सम्यक ज्ञान ही प्रमाण ऐसे नहीं कह सकते। देखो ये अवग्रह से भी पहला पहुंच गया है, अवग्रह से पहले पहुंच गया, और निर्विकल्प सामान्य सत्ता के अवलोकन करने रूप जो दर्शन है उसमें भी प्रमाणता आती है, और उसमें यदि प्रमाणता आ गई तो आपका सम्यक ज्ञानम प्रमाणम यह लक्षण जो है अतिव्यापिति से दृषित हो गया। देखो पकड़ में आ गए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे हम, बताएंगे हम, बता दें बिल्कुल। देखो जो कोई भी प्रश्न करता है उस प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। प्रश्न को अच्छे ढंग से समझने का अर्थ प्रश्नकार का समर्थन नहीं है, ध्यान रखना नहीं समझे, प्रश्न को दो बार सुनने का अर्थ ये नहीं कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं। तो आपकी बात तो है, प्रश्न होना ही चाहिए इसका तो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वह प्रश्न सही है ऐसा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कह रहे हैं हम मान ही रहे हैं, इसलिए पहले ही हमने कहा था कि जैन दर्शन कोई दर्शन नहीं होता, दर्शन जैन दर्शन जिसको है दर्शन दे देता, सबको दर्शन दे देता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है तस्य। अच्छा, सत्तालोचन रूपे निर्विकल्प के दर्शने अतिव्याप्ति,
हो गई उन्होंने दी नहीं। इसी उत्तर के द्वारा हमने आपके इस शंका का भी समाधान कर दिया और आपकी मान्यता को उस तूफान के द्वारा उड़ा दिया जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं संसार में। चलो क्या है बोलो, वह निर्विकल्प रूप जो सत्तावलोकन रूप जो दर्शन है वह क्या है? तस्य मने निर्विकल्पस्य सत्तावलोचन रूपस्य दर्शनस्य अव्यवसाय रूपत्वेन। देखो जो व्यवसाय नहीं करता है उसके लिए बैंक में कभी भी भैया उसका जमानत क्या है? अरे सुनो, जो नागरिक ही नहीं है और नागरिकता ही नहीं है उसके पास और वो बैंक में जाकर के हम कर दो हमारे पास इस, सरकार भी कह दे सरकार भी कह दे बैंक हे हमें ये दे दो तो वह कह देता बैंक तुम सरकार तो हो हम मानते हैं नहीं समझे लेकिन आपको हम असरकार नहीं मानते दोनों बातें हैं हम आप सरकार तो हैं लेकिन आपको हम असरकार नहीं मानते। असरकार मतलब असरकारी, असर करने वाले नहीं मानते क्योंकि पास आपके पास जो है बैलेंस नहीं है। उसी प्रकार जिसके पास व्यवसाय नहीं है अर्थात निर्विकल्पक जो दर्शन है उसके पास व्यवसाय नहीं क्योंकि सामान्य सत्ता का अवलोकन करने वाला यह घट है यह पट है यह समीचीन है यह असमीचीन है यह दूर है यह निकट है आदि आदि का व्यवसाय जो करता है वही प्रमाण के लिए करणत्व का वहन करता और वही साधक तम माना जाता है। और जिसके पास व्यवसाय नहीं है और वह हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं, यहाँ तक कि ज्ञान तो हो गया लेकिन अनध्यवसाय हो गया उसको भी हमने अप्रमाण की कोटि में लिया है ये ध्यान रखो। और आपके पास व्यवसाय ही नहीं है, व्यवसाय का अभाव है आपके पास। अनध्यवसाय तो ईषत व्यवसाय हो गया, गच्छत गच्छत तृण स्पर्शवत ऐसा कहा, आपके तृण स्पर्श है ही नहीं, तृण कोई चीज ही नहीं आपके लिए, न ऋण है न तृण है न मन है, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं, इसलिए करणत्व का वहन नहीं हो सकता। अब व्यवसाय रूपे देखो जितना कहते हैं उतना ये नीचे वही सुना रहे हैं आपको। तस्य अव्यवसाय रूपत्वेन प्रमितिं प्रति करणत्वाभावात्, वह अव्यवसाय होने के कारण प्रमिति के प्रति करणत्व का वहन नहीं करता। निराकार से और कहा भी है आचार्यों ने, जो आकार से रहित तो होता है ऐसा दर्शन ज्ञानत्वाभावाच, जो निर्विकार होता है निर्विकार में निराकार होता है जो निर्विकल्प होता है वह ज्ञानत्व का अर्थात ज्ञान रूप कार्य करने की क्षमता उसके पास नहीं। नहीं व्यवसाय है, व्यवसाय उसके पास ज्ञानत्व के रूप में नहीं है। ज्ञान जिस प्रकार व्यवसाय करता है उस प्रकार वह व्यवसाय नहीं करता, वह केवल सामान्य सत्तावलोकन रूप करता है। सामान्य सत्तावलोकन रूप कभी भी करणत्व का वहन नहीं कर सकता है, प्रवृत्ति के लिए कारण है। वो बात अलग है, वो बात अलग है। हाँ ठीक है, क्या नहीं हो रहा? हाँ ठीक है, तो जैसे ये ज्ञान के प्रति सुनो नहीं ज्यादा मत को, ज्ञान कहना अलग है और प्रमाण कहना अलग है। अच्छा सुनो ज्यादा मत बोलो जितना देखो बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं इसलिए तो गड़बड़ होता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दर्शन व्यवसायात्मक है क्या?
होगा तो पढ़ करके आइए, ऐसा नहीं कहे। देखो जिस किसी का दर्शन यदि कहा जा रहा है तो उसको उसी रूप में आप प्रस्तुत करें, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। कहीं भी आचार्यों ने दर्शन को व्यवसायात्मक नहीं लिखा, साकारता रूप नहीं लिखा। यदि उठपटांग ही कहने लग जाए तो उसके लिए हम उत्तर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आधार सहित आप बोलिए तो कहे कहाँ है, कहाँ कहाँ है, बोलिए दर्शन को व्यवसायात्मक कहाँ कहा है, बोलिए। देखो न्याय में आगे पीछे नहीं, प्रश्न करना भी सॉलिड प्रश्न करिए, ताकि वह नहीं, ज्यादा बोलने से प्रश्न समीचीन नहीं होता। या तो आप यही कह दीजिए कि दर्शन को व्यवसाय रूप आचार्यों ने कहा है, तो ये कम से कम मिसाल दीजिए, उदाहरण दीजिए, फिर बाद में हम इसका उत्तर देंगे, नहीं तो उत्तर नहीं देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हंसने की बात कैसे कह रहे हो आप, तो यहाँ जो कह रहे हैं उसको सुनो फिर। अच्छा तो फिर आप अष्टशास्त्र जब पढ़ते हैं ना उस समय आइए, अभी आप बैठिए, चुप बैठिए, नहीं समझे, आप अष्टशास्त्र की जिस समय पढ़ा दें उस समय आइए तो आप जवाब मिल जाएगा, तुम्हारे पास कितने आगम है जवाब दे देंगे हम। वो तो कह रहा हूँ, मानते थे नहीं निराकार से दर्शनात् ज्ञानत्वाभावाच्च, क्योंकि प्रमाण के लिए प्रमिति के लिए करणत्व का वहन करने की क्षमता दर्शन के पास नहीं किंतु ज्ञान के पास है, क्योंकि अर्थ में यह प्रमाण यह अप्रमाण इस रूप में जो व्यवसाय करता है यह दर्शन नहीं कर सकता, किंतु ज्ञान के पास ही यह क्षमता है, इसलिए ज्ञान में ही प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों आते हैं। दर्शन में प्रमाणता और अप्रमाणता का कार्य इसलिए नहीं होता, दर्शन में संशय विपर्य अनद्वसाय नहीं हुआ करते हैं, इसलिए चक्षुदर्शन अवधि दर्शन और अवधि दर्शन ये तीन की छद्मस्थ अवस्था में होते हैं, लेकिन इनमें कभी भी मिथ्या और सम्यक भेद नहीं किया, जबकि ज्ञान पांच सम्यक ज्ञान है और मिथ्या ज्ञान तीन और कहें, तो मिथ्यात् रूप उपाधि ज्ञान के साथ तो लग सकती, और जब मिथ्यात् रूप उपाधि ज्ञान के साथ लग सकती है तो मिथ्यात्व का अभाव होता है, तो सम्यक रूप उपाधि या विशेषण ज्ञान के साथ लग सकता है, किंतु दर्शन के साथ न मिथ्यारूप उपाधि लगी है और न ही सम्यक रूप उपाधि लगी है। यदि लगी है तो आगम में चक्षुदर्शन मिथ्या चक्षुदर्शन और मिथ्या अचक्षुदर्शन ऐसा भी भेद करना चाहिए था, जो कि नहीं आता, इसलिए आगम का ज्ञान सही सही होना चाहिए। निराकार से दर्शन से ज्ञानत्वाभावाच्च, निराकारम दर्शनम साकारम तो ज्ञानम इति प्रवचना। निराकार ज्ञान, निराकार तो दर्शन होता है, साकार जो है ज्ञान होता है, इस प्रकार आगम में प्रवचन प्रविष्ट है। तस्मात् इसलिए प्रमाणस्य सम्यक ज्ञानम इति लक्षणम न अतिव्याप्तम्, इसलिए सम्यक ज्ञान रूप जो प्रमाण का लक्षण कहा गया है वह अतिव्याप्ति दोष से युक्त नहीं है, न अव्याप्तम्, और इस सम्यक ज्ञान रूप जो प्रमाण का लक्षण है वह अपने लक्ष्य में
अव्याप्त को भी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपने लक्ष्य में वह पूर्ण रूप में व्याप्त होकर के रह रहा है, इसलिए वह अव्याप्त भी नहीं और अतिव्याप्त इसलिए नहीं कि अन्यत्र वह लक्षण घटित नहीं हो रहा है, और अपने लक्ष्य में वह किसी भी प्रमाण के द्वारा बाधा को भी प्राप्त हो जाए ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्य वृत्तेर अबाध तत्व, लक्ष्य में उसकी वृत्ति कभी भी बाधा को प्राप्त नहीं होते दूसरे प्रमाणों के द्वारा, इसलिए यत अरहत भी ही प्रमाणस्य लक्षणम अभिहितम तत्तु समीचीनम एव एषधम नाप्त संभवी लक्ष्य वृत्तेर अबाध तत्व। अब आचार्य कहते हैं किमिदं प्रमाणस्य प्रामाण्यम, अब हम समझ में ही आया आपने जिस येन केन प्रकारेण अपनी बात को सिद्ध कर ली और कह दिया कि प्रमाण का सम्यक ज्ञानम प्रमाणम इति समीचीनम, इस प्रकार आपने सिद्ध ही कर दिया तो हमें बोलने नहीं दिया, तो फिर सुमन जैसे त्यागी जी कहते हैं ऐसे कोई आपने सिद्धि कर दिया हमारी बात नहीं सुनी, बात हमने मान ली ठीक है, आप बताओ प्रमाण की प्रमाणता क्या है, है? सही बात है, प्रमाण की प्रमाणता आखिर क्या है। अब देखो सम्य ज्ञानम प्रमाणम ये तो सिद्ध कर दिया, तो प्रमाण की प्रमाणता क्या है, ये बहुत गहरी बात है। सम्य ज्ञान प्रमाण आप नहीं कहेंगे, सम्य ज्ञान प्रमाणम इधर तो सिद्धम है, प्रमाण सम्य ज्ञान प्रमाण प्रमाण की प्रमाणता क्या है, यह मनुष्य ही है या मनुष्य ही है या और कोई नहीं, ये कह दिया मनुष्य की मनुष्यता क्या है। देखो सम्यक ज्ञान की सम्यक ज्ञानत्व क्या है, सम्यक ज्ञान तो कह दिया आपने, सम्यक ज्ञानत्व क्या है जिसके द्वारा यह सम्यक ज्ञान है ऐसा माना जा रहा। देखो अर्थ क्या है, तत्व के द्वारा अर्थ सिद्ध होता है, तो सम्यक ज्ञान का सम्यक ज्ञानपन क्या है ये बता दो। प्रमाणस्य किम प्रमाणस्य प्रमाणम प्रामाण्यम, प्रमाणस्य प्रमाणम नहीं कहा, किम प्रमाणस्य प्रामाण्यम अर्थात प्रमाणत्वम प्रमाणता वा, हाँ प्रमाण की प्रमाणता क्या है या प्रमाण का प्रमाणत्व क्या है या अथवा प्रमाण का प्रामाण्य क्या है। अग्नि की अग्नि परीक्षा, अग्नि की अग्नि परीक्षा यही है, अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख, जो लकड़ी को जला दे और वह चांदी की राख जो है अग्नि की परीक्षा, यदि राख नहीं होती धुआं उठ जाए तो परीक्षा इसमें गीलापन है, ये जला नहीं रही है, जला जला करके राख कर दे। इसी प्रकार प्रमाण की प्रमाणता क्या है, तो प्रयोजन सिद्धि हमारी प्रमाणता बता देंगे। देखो प्रतिभात विषय अव्यविचारित्व, क्या प्रमाण के द्वारा जो प्रतिभात मैंने प्रतिभाषित वस्तु है उसमें अव्यभिचारिता अर्थात निर्दोषता होना ही प्रमाण का प्रामाण्य है। देखो कहां पर हो बता दिया, अर्थ ये हो गया सम्यक ज्ञान हमारे लिए आत्मा की अनुभूति के लिए कारण है, यदि आत्मानुभूति हो रही है तो हमारा वह सम्यक ज्ञान प्रमाण माना जाएगा, अन्यथा उसका प्रमाण ताक में लटकाए रखो। नहीं समझे, यही आचार्य कुंद कहते एक स्थान पर श्रमणत्व को धारण कर लिया, अब क्या, अरे श्रमणत्व का धारण करना तभी सिद्ध है प्रयोजन है सार्थक है जब तुम स्वात्मानुभूति में लीन हो जाओ, क्योंकि यह श्रमण था उस निश्चय आचार को प्राप्त कराने के लिए है। तो प्रमाण से किम प्रामाण्यम कहते प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्वम, प्रयोजन सिद्ध हो जाता, प्रमाण के द्वारा जो पदार्थ हमने सिद्ध कर लिया देखा वह निर्दोष देखने में आ गया तो हमारे सार्थकता है। आंखों की सार्थकता यह है कि सफेद को सफेद दिखा दे और काले को काले दिखा दे, तो इसकी प्रमाणता है। तो इसको कसने का
निकष क्या है? तो प्रतिभात विषय अव्यविचारित्व निर्दोष क्या नहीं। देखो प्रमाण का जो भाव होगा वह प्रामाण्य होगा, प्रमाण का जो मूल्य होगा वह प्रामाण्य होगा, प्रमाण का जो प्रयोजन होगा वह प्रामाण्य होगा। तो प्रामाण्य क्या है, प्रामाण्य क्या है? तो जो प्रमाण के द्वारा, प्रमाण ज्ञान ना होता, जानने के द्वारा जो वस्तु ठीक ठीक देखने में आ गए, निर्दोष देखने में आ गए, निर्दोष वस्तु देखना, तो वह प्रमाणिकता है। आंख की प्रमाणिकता वस्तु को सही सही देखने रूप में है, ज्ञान की प्रमाणिकता वस्तु को जिस रूप में वस्तु है, एन एन प्रकारेण अवस्थिता पदार्था तेन तेन प्रकारेण एव अवगंतव्या इति अधिगम। क्या कह रहे इसका प्रमाण? सुनो सुनो सुनो, इसका प्रमाण तुम बताओ, बताओ ना। हाँ तो उत्तर तो पूछना है, जो बोल तो रहे इसलिए तो उत्तर तो पूछ ले। ये 100 ग्राम ही है, इसका क्या प्रमाण है? दूसरे से ले आओ तो कहते वो भी 100 ग्राम ही है, तो इसके लिए क्या प्रमाण? बस यही है, बस यही है। सुनिए सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कहते हैं प्रतिभात विषय अव्यविचारित्वम, ये कह रहे हैं अव्यविचारिता दूसरे प्रमाण की ओर नहीं जाता, अनुभूति की ओर जाता है। ये तो नहीं पकड़ा तुमने, एक प्रमाण की सिद्धि के लिए दूसरे प्रमाण को नहीं लाया, प्रमाण की प्रमाणता के लिए हम ये कह रहे हैं उसकी वस्तु की अव्यविचारिता ही। वह अव्यविचारिता क्या है, यह उदाहरण हमने दे दिया। यह श्रमण है कैसे हम कहें? जिसने श्रमणत्व का अनुभव किया, शुद्धात्मा अनुभूति का अनुभव किया, तो दूसरे के लिए हम कैसे कहें? तो ये अभ्यास दशा में तो स्वतः होता है, और आगे जाकर के कहेंगे अनभ्यास दशा में परतः होता। आप स्वयं करिए, स्वयं करिए। ज्ञान की जो है, ज्ञान के माध्यम से दुनिया को जानना है, ज्ञानपन नहीं है। अपनी अपनी मान्यता किसी को थोपा नहीं जा रहा, जो आकर के समझना चाहता है उसी के लिए कहा जा रहा। देखो ध्यान रखना, ज्ञान वस्तु तो दूसरे के लिए नहीं होता, उसका प्रतिभात विषय में अव्यविचारिता। तो सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम क्या जानना चाहते थे? तीन लोग को जानना नहीं चाहते थे, हम अपने आप को जानना चाहते थे। जो अपने आप को जना दे वह प्रमाण सम्यक प्रमाण है, और नहीं जना दे तो सम्यक ज्ञान कैसे कहेंगे हम? कि इसका तो प्रमाणेन यत प्रतिभात वस्तु तत् अव्यविचारित्वम् चेत् तत् प्रमाणस्य प्रामाण्यम्। यदि प्रमाण के द्वारा प्रतिभात वस्तु निर्दोष है, वह अब निर्दोष कैसे है, तो कैसे है ये ध्यान रखना। प्रमाण को दिखाया नहीं जा सकता है, प्रमाण को यदि आस्था की आंखों से देखना चाहो तो दिख सकता है। अंत में ये कहेंगे तोल करके हम प्रमाण को प्रमाणता नहीं दे सकेंगे, ध्यान रखना। आगे कहेंगे स्वयं सर्वज्ञ विकल्प सिद्ध प्रमाण सिद्ध उभय सिद्ध, ये ध्यान रखना। कि इसीलिए कहा था दर्शन के माध्यम से जहां तक पाठक को हम जिस सीमा तक ले जा सकते हैं ले जा सकते हैं, इसके उपरांत जहां तक ले जाना चाहे वहां नहीं ले जा सकते हम, वहां तक सीमा है, सीमा तक ही हम जना सकते हैं। वो जनाना भी नहीं, केवल संकेत दिया जा सकता। यदि संकेत को पकड़ने की क्षमता भीतर से है तो दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी तब तक दिया जा सकता है जब तक फेफड़े थोड़े बहुत चल रहे हैं, नहीं तो नहीं चलना बात। फिर बाद में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पर डेड बॉडी हो गई, घोषित कर दी। तो उसी प्रकार किसी के पास इस प्रकार पकड़ने की क्षमता नहीं है, तो आचार्य कहते हैं उनके लिए वैराग्य प्रद और
सम्यक प्रद कथा सुनाए और आक्षेपनी विक्षेपनी कथाओं को समझने की क्षमता नहीं है तो इस सभा में न बैठिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसलिए पहले कहा था कि आप अपने वैराग्य को मजबूत रखिए। सामने वाला कोई भी कह देता है कि तुम्हारा ये तो मनचाही चल रहा है, घर की बात चल रही है, घर के नाप तोल चल रहे हैं, तो गड़बड़ है। ऐसे कहने के उपरांत भी जो व्यक्ति व्यापार करने वाला होता, हाँ गड़बड़ गड़बड़ है, जब एक्सचेंज ऑफिसर आ जाएंगे तो हम कह देंगे तुम्हारे लिए तो यहाँ पर आना हो तो ठीक है, नहीं तो यह गेट आउट कह देंगे। तो वो यही कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि भाई हमारा दुकान बंद नहीं होगी। इस प्रकार सामने वाला व्यक्ति जो दृढ़ रहता है संवेग में और वैराग्य में, उसको तत्व के पहलू को धीरे धीरे समझाने का प्रयास किया जाता केवल, और कुछ समय के उपरांत वह स्वयं ही समझने लग जाता है वस्तु की विशालता को। ओहो कितना, आचार्य कहते हैं केवली भगवान के द्वारा भी वस्तु तत्व का कथन पूर्ण नहीं हुआ है। एक केवली भगवान ने पूर्व कोटि वर्ष 8 वर्ष कम वस्तु तत्व का कथन किया, दूसरी केवली को कह दिया भैया मैं जा रहा हूँ तुम इसको निभा लेना। इस प्रकार यदि अनंतों की सिलसिला चेन भी लगा दिया जाए तो कथन करने योग्य पदार्थ का कथन भी आज तक पूर्ण नहीं हुआ। अब इसके उपरांत अनंत ऐसे पदार्थ है जिनका कभी कथन हो ही नहीं सकता, उसका नंबर कब आएगा? अरे भैया अभी एक वस्तु का भी कथन पूर्ण नहीं हुआ, जैसे एक निगोद या जीव के अवगाहना में भी अनंत अनंत निगोद राशि भरी है और वह निकलते 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 एक रे एक भी अवगाहना पूर्ण नहीं हो पाई और सिद्ध बन चुके, ये कैसा अनंत व्यापार है। ज्ञान का हम वर्णन शब्दों के द्वारा कर ही नहीं सकते, शब्दों के पास क्षमता है कहाँ। इसलिए बताते हैं प्रतिभात विषय अव्यभिचारित कुंद कुंद आचार्य इसलिए बार बार कहते हैं भैया ज्ञान को दिखाया नहीं जा सकता, ज्ञान का संवेदन किया जा सकता है या ज्ञान को देखा जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। दिखाने का एकमात्र एक युग ये उपचार है। क्या कहा? उपचार कहा, समय सार में व्यवहार के द्वारा वस्तु तत्व को दिखाना ये एकमात्र अनार्य को आंग्ल भाषा में कुछ समझाना है, समझाने के लिए है ये, अनार्य को समझाने के लिए ये व्यवहार है। अनवस्था दोष दो या श्वास अन्योन्या भाव दोष दो, कैसे भी दोष दो, समझना चाहो तो समझ में आ सकता है, और यदि नहीं वह आ सकता है तो हठात कोई घुट्टी नहीं पिलाई जा सकती, घुट्टी भी उसी को पिलाई जाती जा सकती है जिसकी उल्टी नहीं होती है। नहीं समझे, यदि उल्टी होने की संभावना हो तो गुट्टी भी नहीं पिलाते, क्योंकि जो भीतर है वो भी बाहर आ जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संवेग और वैराग इतना ही कायम रह जाएगा तो संभव है, उसको ज्यादा मत छेड़ा झेड़ी करो ये, क्योंकि आया है कम से कम भाग करके आया है, आने दो यहाँ पर खाने दो, और कुछ कह देंगे तो फिर वो खाना भी मुश्किल हो जाएगा उसको। आक्षेपनी विक्षेपनी के द्वारा यदि तत्व और उद्घाटित करने का प्रयास करोगे और उसका संवेग और निर्वेग यदि फेल हो जाएगा तो तुम्हारी वह कथा गलत मानी जाएगी। इसीलिए तत्व चर्चा सभी के सामने नहीं करना चाहिए। तस्य उत्पत्ति कथम, अब देखो प्रमाण की उत्पत्ति नहीं, प्रमाण की उत्पत्ति नहीं, किंतु प्रमाण में प्रमाणत प्रमाणता, यह मेरा सम्यक ज्ञान ही है, नहीं समझे, इसका जो फल है यह सही है, ये कैसा होगा? तो बोलते हैं वो कुछ लोग इसको स्वतएव इति मीमांसका, मीमांसक लोग प्रमाण में प्रमाणता जो आती है वह स्वत ही आते, स्वत अर्थात जिस प्रमाण जिस ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात अर्थ को जानने की सामग्री के लिए जो ज्ञान प्रवर्तमान हुआ, अर्थ को जान लिया
उसी के द्वारा उसमें प्रमाणता भी आ जाती है, ये उसका कहना है। इसको बोलते हैं वो स्वतः, स्वतः एव इति मीमांसका प्रामाण्यस्य स्वतः उत्पत्ति। प्रमाण में प्रमाणता जो उत्पन्न हो जाती वह स्वतः ही उत्पन्न होती है, इति मीमांसा कहते हैं। कैसे? के लिए करणत्व का